बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हमेशा की तरह एक नहायत ही आसान सी रेसिपी जिसका नाम है चटपटा चिकन विद राइस प्लेटर। तो चलें बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चटपटा चिकन विद राइस प्लेटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 3 अदद लीमू का रस, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और यहां पे मैंने चिकन ले लिया 1/2 किलो और जो राइस हम बनाएंगे वो भी तकरीबन 1/2 किलो होंगे। तो अब इस चिकन को इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। दोस्तों, सेकंड स्टेप में यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 किलो दही और इसमें अब हम तमाम अपने ये इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है भुना कुटा जीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी ले लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च और गरम मसाला भी 1 टीस्पून ले लिया है। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये हमारा मसाला यहाँ पे रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस स्टेप में हमने ले लेना है 1 अदद फ्राई पैन और फ्लेम मैं ऑन कर लेता हूँ। अब हम निकालेंगे फ्राई पैन में ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑयल के गर्म होने से पहले पहले हम इसमें शामिल कर लेंगे ये चॉप हुई हुई अदरक। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लिए। चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों, इसे थोड़ा बहुत भून लेने के बाद जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी चिकन जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों, फ्लेम मैंने यहाँ पे तेज कर ली है और अब इसे हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है हाई फ्लेम पे और पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है। और अब हम इस चिकन पे वो मसाला शामिल करेंगे थोड़ा सा जो हमने दही को यूज करते हुए बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने सारा मसाला नहीं शामिल करना है, थोड़ा सा बचा भी लेना है क्योंकि हम इसको जब फ्लिप करके दोबारा फ्राई करेंगे तो ऊपर से दोबारा हमने शामिल करना होगा मसाला। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना, इसको इसके ऊपर से शामिल कर लेंगे, धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। अब इसे दोबारा कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे। दोस्तों, तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसे भून लिया है और अब मैं इन चिकन्स को करूंगा फ्लिप और फ्लिप करके इसमें हम अपना मसाला दोबारा शामिल करेंगे।
अब इसमें धनिया और पुदीना एक बार फिर शामिल करेंगे। और अब इसे एक बार फिर कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे दोबारा पकाएंगे। दोस्तों 5 से 10 मिनट मैंने इसे थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे भून लिया है और ये अब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों इस नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लेना है एक बर्तन जिसमें हम तकरीबन आधा किलो राइस बना सकें, और इसमें हम सबसे पहले निकाल लेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। दोस्तों ऑयल थोड़ा गर्म कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप हुई प्याज। इसे थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। दोस्तों प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है यहाँ, और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, तकरीबन 1 टीस्पून है ये, और एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब इसे मिक्स करके अच्छी तरह से दोबारा भूनेंगे। दोस्तों इसे थोड़ा सा भून लेने के बाद अब हम इसमें बकाया पेस्ट शामिल करेंगे अपना। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हसबे जायका नमक शामिल करेंगे। दोस्तों अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये अपना ऑयल छोड़ दे। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा मसाला थोड़ा भुन चुका है, और अब इस कंडीशन पे हम इसमें शामिल करेंगे धनिया और पुदीना। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से और भून लेंगे थोड़ा। फ्लेम यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है। दोस्तों यहाँ पे ये अच्छी तरह से भुन चुका है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे राइस। और राइस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, मैंने तकरीबन आधा किलो राइस ऑलरेडी ले लिए थे और उन्हें हाफ़ बॉइल करके रख लिया था। तो अब हम अपने हाफ बॉइल्ड राइस को इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन राइस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट बिल्कुल दम पे पकाएंगे। दोस्तों तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है, और ये यहाँ हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें करने लगा हूँ डिश आउट, और आपको दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त सा क्लोजअप। तो दोस्तों ये थी हमारी नहायत ही आसान सी चटपटा चिकन विद राइस प्लेटर की रेसिपी। यकीनन मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।